नमस्ते फ्रेंड्स, सपनाज रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पाइसी चिकन करी। बहुत ही आसान तरीके से ढाबा स्टाइल चिकन करी कैसे बनाते हैं ये आज हम देखेंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो चिकन लिया है, इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक बारीक कटा टमाटर, एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और दो बड़े प्याज बारीक कट किए हुए। तो सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच तेल, और तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ हमारा प्याज अच्छी तरह से भून चुका है और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर, और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और बस दो मिनट इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। मिलाएंगे इन सारी चीज़ों को और बस एक मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको दो से तीन मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे। और दो मिनट के बाद हम इसे खोल के देखते हैं तो ये टमाटर हमारा अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे साफ किया हुआ चिकन और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला चिकन को अच्छी तरह से लगना चाहिए। और बस अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको एक थाली से कवर करेंगे और इस थाली में एक गिलास पानी डाल देंगे। चिकन बॉईल करने का ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, इस तरह से चिकन बहुत जल्दी पक जाता है। तो चिकन हमारा पक रहा है, तब तक हम ग्रेवी के लिए जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच धनिया बीज लिया है, दो बड़े प्याज लिए हैं रफली काट के, बारीक कटा एक बड़ा टमाटर और लगभग आधा कटोरी सूखे नारियल के स्लाइसेस, 10 से 15 पुदीने के पत्ते और दो बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और यहाँ मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ और लगभग 1 से 1.5 इंच अदरक का पीस लिया है। धनिया पत्ता लिया है आधा कटोरी, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ मैंने लिया है एक चम्मच चिकन मसाला, ये आपको बाजार में आसानी से अवेलेबल होगा, और एक छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। सामग्री देखने के बाद चलते हैं चिकन की ओर। और ये आप देख रहे हो, ये चिकन में पानी छूट गया है और ऊपर जो पानी रखा था वो भी गर्म हो चुका है। वो पानी हम चिकन में डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर से हमें वही प्रोसेस करनी है, हम इसको कवर करके ऊपर थाली में पानी डाल देंगे। तो इस तरह से चिकन हमारा बॉईल हो रहा है, तब तक हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और बाद में हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमें अच्छी तरह से भून लेना है, एकदम ब्राउन कलर आने तक हमें इसे भूनना है। हर 5-6 मिनट के बाद हम चिकन को देखेंगे। तो ये ऊपर वाला पानी हम चिकन में डाल देंगे और इसको एक बार मिलाएंगे। चिकन पकने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और फिर से वही प्रोसेस हमें करने हैं। और यहाँ प्याज भी हमारा भून चुका है तो हम इसको एक अलग से थाली में निकाल देंगे और उसी पैन में हम सूखे नारियल के स्लाइसेस को भी भूनेंगे। इसे भी हमें अच्छे से ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। और यहाँ नारियल भी हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसे भी हम उसी थाली में निकाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया बीज और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। और लगभग 2-3 मिनट के बाद ये अच्छे से भून चुके हैं, इसे हम निकाल देंगे। अब हम टमाटर को भूनेंगे और 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसको निकाल देंगे। और इन सारे मसाले हमें ठंडे कर लेने हैं। मसाले हमारे ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम मिक्सर के जार में लेंगे अदरक, लहसुन, पुदीने के पत्ते और हरा धनिया, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका हमें पेस्ट बनाना है। इस तरह से ये पेस्ट बनके हमारी तैयार है, इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे।
और ये मसाले भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसे भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका भी हमें पेस्ट बनाना है। और इस तरह से ये भी पेस्ट बन के हमारी तैयार है। तो अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसी पैन में हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम बनाई हुई पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। 4-5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन और धनिया का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसे भी इसके साथ अच्छे से भूनना है। एकदम तेल छूटने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये मसाला हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक हम चिकन को देखते हैं। ऊपर का पानी हम इसमें डाल देंगे और देखते हैं, चेक करेंगे चिकन हमारा पका है या नहीं। और आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से पक गया है। तो मसाला फ्राई होने तक इसे हम लो फ्लेम पे रखेंगे। आप चाहे तो मसाला डालने से पहले ये चिकन का सूप आप निकाल कर बच्चों को दे सकते हैं। और यहाँ ये मसाला भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो साइड से इसे तेल छूटने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च का पाउडर। और ये जो चिकन मसाला हमने लिया था इसे हम साइड में रख देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस 5 से 6 मिनट तक हम इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। और ये 5-6 मिनट के बाद ये सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये फ्राई किया हुआ मसाला हम इस सूप में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसकी थिकनेस आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पतला अच्छा लगता है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी चिकन करी अच्छे से बॉईल हो रही है, अब हम इसमें चिकन मसाला डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से और ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और बस इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। और लगभग 3 मिनट के बाद इसे खोल के देखते हैं तो आप देख रहे हो इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये ढाबा स्टाइल स्पाइसी चिकन करी हमारी खाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। ये रोटी, चपाती या चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बना कर देखिए। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।